हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। आज बिल्कुल हम नए तरीके का नमकीन बनाएंगे, छोलों वाला नमकीन। उसके हमने एक कटोरी छोले लिए हैं जो हमने रात को भिगो कर रखे हैं 8 घंटे के लिए। उसको हम डायरेक्ट हम कुकर में डाल के उसको हाफ डन बॉईल कर लेंगे। उसके पानी बिल्कुल मेजरमेंट से थोड़ा सा स्लो पर निकल जाए छोलों से। हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, दो से तीन सीटियां देंगे हाई फ्लेम पे और बंद कर देंगे। दो या तीन सीटियां आ जाएंगी तो हम इसको बंद कर देंगे। दो सीटी हो गई है हमारी, अब हम इसकी गैस निकाल लेंगे। ज्यादा कुक करना नहीं है हमें से। गैस पूरी निकल गई है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसको पानी फेंकने की जरूरत नहीं है, तो यूटिलाइज किसी और वेजिटेबल्स में कर लेंगे। छोले हमने निकाली है बिल्कुल ड्राई करने के लिए, ऐसे हम कॉर्नफ्लोर का यूज करेंगे। धीरे धीरे करके इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 स्पून 2 स्पून, और उसको ऊपर नीचे करेंगे ऐसे। कॉर्नफ्लोर मैश फुल इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से और जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तक हमने 4 स्पून डाल दिए हैं। हमारे सारे सारे कोटेड हो चुके हैं, अब हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। जो ज्यादा कॉर्नफ्लोर है वो हट जाएगा। हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमने 4 टीस्पून डाली हुई है, अब 5th टीस्पून और डालेंगे और उसे अच्छे से कोट कर लेंगे। ये हमने बॉल बदल ली है, अब सारे कोटेड हैं। इनको 5 मिनट रेस्ट करके डीप फ्राई करेंगे। हमारे चने कोटेड हो चुके हैं, अब इनको डीप फ्राई करेंगे। इसलिए हमने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला हुआ है, उसे गर्म होने देंगे। अब देखने के लिए ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें एक डाल के देखेंगे चना, अच्छे से क्रिस्प हो जाए और ऊपर आ जाएगा तो समझ लीजिए ऑयल गर्म है। ऑयल हमारा गर्म है, चना हमारा ऊपर तक आ गया है। उसको निकाल के बाकी को बैचेस में डालेंगे। अच्छे से ना फ्राई होने लगे। हमारे चने होने वाले हैं, तो कई झाग हो गए तो समझ जाइए कि बिल्कुल हो गए हैं। फैशन को टर्न कर दीजिए। गैस फुल पे ही रखिए तेज। देखिए कैसे ब्राउनिश हो रहे हैं क्रिस्पी। और एक प्लेट में निकाल लीजिए, इसमें ऑयल में टिश्यू पेपर रखा हुआ है, जैसे जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। पहला बैच रेडी है,
इसको हम निकालेंगे। दूसरा बैच डाल दिया है, ये हमारे चने होने वाले हैं। थोड़ा सा टर्न कर दीजिए, अब देखो हमारे रेडी हैं, इनको हम निकालेंगे। छोले बिल्कुल रेडी है, उनको एक बाउल में निकालेंगे। अब चने हमारे ऑलमोस्ट रेडी है, उसमें मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च डाली है इसमें। हाफ टी स्पून हमने देगी मिर्च डाली है, पिसा हुआ जीरा, आधी चम्मच चाट मसाला, काला नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में थोड़ी सी इसमें खटाई डालेंगे। मिक्स कर लीजिए। लीजिए हमारे नमकीन कॉर्न चना रेडी हैं। अगर आपको ये मेरा रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।